गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, हाय, मेरा नाम तनु है और इस चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हॉल वीडियोस, स्किन केयर, लाइफस्टाइल वीडियोस और ये सारी चीज़ें। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना बजट फ्रेंडली हो उतना ज़्यादा अच्छा है। प्लस मैं आपके साथ कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लासिक और एलिगेंट ड्रेसिंग के साथ में ही शेयर करूँ। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए देन प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट वुड जेन्युइनली मीन अ लॉट टू मी। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप इसे मिंत्रा का विंटर वेयर सेल हॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे सेल पे मिली है। प्लस आप इसे थोड़ा सा स्टाइलिंग वीडियो का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे मैंने हम सबकी फेवरेट बेसिक ब्लैक लेगिंग्स को स्टाइल अप किया है इन डिफरेंट वेज, ताकि वो पूरा स्टाइल बहुत ही शीक भी लगे, हम कंफर्टेबल भी रहें और बहुत ही स्टाइलिश हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें पिकअप की हैं फ्रॉम मिंत्रा, देन कीप ऑन वॉचिंग। नाउ इस पेयर ऑफ लेगिंग्स को फर्स्टली मैं स्टाइल अप करने वाली हूँ विद दिस स्ट्राइप रिप टॉप। रिप टॉप आई थिंक इज अ मस्ट व्हेन इट कम्स टू विंटर। और ये बहुत ही अच्छा नाइस व्हाइट एंड ब्लैक कलर का स्ट्राइप टॉप मुझे मिल गया फ्रॉम मैंगो। अगेन ये रिप टॉप है तो बहुत ही फ्लैटरिंग है क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइट नहीं होता है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्ट्रास्टिंग रिप टॉप है तो ये सिंपल ब्लैक लेगिंग्स के साथ में तो अपने आप बहुत अच्छा लग ही रहा है। बट इसको मैं स्टाइल अप करूंगी विद दिस ओवरसाइज ब्लेजर। ये बहुत ही पुराना वुलन ब्लेजर था मेरे वार्डरोब में। देन दिस अनदर वे जहाँ पे मैं ये अगेन स्ट्राइप रिप टॉप को स्टाइल अप करूंगी विद दिस वेरी लॉन्ग व्हाइट शर्ट। ये बहुत ही लंबी व्हाइट शर्ट मुझे मिल गई थी फ्रॉम वैन ह्यूसन, जो मैंने अमेज़न से चीजें पिकअप की थी। और ये प्रॉपर ड्रेस है व्हेन इट कम्स टू समर्स, बट सिंस विंटर्स आ गई है सो आई डिसाइडेड कि क्यों ना मैं इस ड्रेस को पेयर अप करूं विद दिस ब्लैक लेगिंग्स, ताकि मैं कंफर्टेबल भी रहूं एंड जस्ट टू लेट अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ कलर। और थोड़ा सा इसे स्टाइलिश लुक बनाने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस रिप टॉप अगेन ओवर माय शोल्डर्स, जैसे शाहरुख खान मोहब्बतें में शोल्डर्स पे अपने सारे स्वेटर्स रखते थे, समथिंग लाइक दैट। आप भी अपने लिए ये मिंत्रा के विंटर वेयर की चीजें पिकअप करना चाहती है तो सारी चीजें मुझे सेल पे मिल गई। आई विल शेयर ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड सिंस वेदर चेंज हो गया है तो आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि जो भी प्रोडक्ट्स मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ या बॉडी पे यूज कर रही हूँ या फिर अपने बालों के लिए यूज कर रही हूँ, वो भी मैं चेंज करती रहूँ टू मीट द रिक्वायरमेंट। जैसे ही विंटर्स आ जाती हैं मेरा स्कैल्प बहुत ड्राई हो जाता है और मेरे डैंड्रफ का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। टू केटर टू माय डैंड्रफ इश्यूज मैं अपना ऑयल स्विच कर लेती हूँ टू दिस गुड वाइब्स का टी ट्री एंड रोजमेरी ऑयल। ये डैंड्रफ को फाइट करने में तो बहुत अच्छे से हेल्प करता है, प्लस मेरी सेंसिटिव स्किन और मेरे सेंसिटिव स्कैल्प पे बहुत अच्छे से सूट करता है। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स इस बॉटल के ऊपर ये नोजल लाइक पाइप आता है तो इसे लगाना बहुत आसान हो जाता है बिकॉज आई सिंपली हैव टू पार्क माय हेयर और मैं बस ऑयल को ड्रिपिंग कर लेती हूँ राइट ऑन माय स्कैल्प। और जब भी मेरे बालों में हेयर फॉल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो समर्स हो या विंटर्स हो, सो देन अगेन मैं अपना हेयर ऑयल चेंज कर लेती हूँ एंड दिस इज द अनियन हेयर ऑयल जो अगेन फ्रॉम गुड वाइब्स है। गुड वाइब्स का हेयर ऑयल है तो गुड वाइब्स के सारे प्रोडक्ट्स की तरह इसके अंदर भी ना ही कोई हार्मफुल केमिकल्स हैं, पैराबेंस हैं, सल्फेट्स हैं, प्लस इसके अंदर गुडनेस ऑफ अनियन है। और हम सब जानते हैं कि जब भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम आ जाता है तो अनियन इज सो गुड फॉर अस। बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कोई भी चीजें ओवरनाइट काम नहीं करती हैं। इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ गुड डाइट, हम अपने सप्लीमेंट्स प्रॉपरली लें और राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हम अपने स्कैल्प पे यूज करें, ताकि विद रेगुलर यूज हमारा हेयर फॉल काफी रिड्यूस हो जाए। ऑयलिंग में इंश्योर करती हूँ कि मैं ओवरनाइट जरूर अपने स्कैल्प पे रखूँ एंड इन द मॉर्निंग मैं इस ऑयल को वॉश ऑफ कर लेती हूँ विद अ माइल्ड शैम्पू। और जब भी हेयर फॉल होता है सो आई प्रेफर टू यूज द अनियन शैम्पू, अगेन ये गुड वाइब्स का है, ये मेरे सेंसिटिव स्कैल्प को बहुत अच्छे से सूट भी करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फेस। मेरी स्किन नेचुरली बहुत ही ड्राई है, चाहे समर्स हो या विंटर्स हो। नाउ दीज डेज आई बी लविंग दिस हेम्प सीड क्रीम फ्रॉम गुड वाइब्स। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्रीम इज कि इसके अंदर 100% कोल्ड प्रेस्ड हेम्प सीड ऑयल है। हेम्प सीड ऑयल बहुत ज्यादा हेल्प करता है टू फाइट द इफेक्ट्स ऑफ एजिंग ऑन द स्किन एज वेल, चाहे वो डार्क स्पॉट्स हो या फाइन लाइंस हो। ये बहुत ज्यादा ग्रीसी नहीं है और जब मुझे एक ऐसी क्रीम चाहिए होती है तो बहुत ही नरिशिंग क्रीम हो, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है, सो देन आई ऑलवेज स्विच इट टू द कोकोनट क्रीम। कोकोनट क्रीम जो है ये अगेन गुड वाइब्स की है, बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब भी हो जाती है, ये बहुत हैवी नहीं है बट एट द वेरी सेम टाइम मेरी स्किन को और मेरे फेस को बहुत ही सॉफ्ट एंड सपोर्ट रखती है। नाउ कमिंग टू द बॉडी लोशन, आई हैव टू रेकमेंड
रिकमेंडेशंस, एक है जिसके अंदर गुडनेस ऑफ विटामिन सी है और एक है जिसके अंदर गुडनेस ऑफ कोकोनट है। नाउ जब भी आप, अगर आपकी ड्राई स्किन है मेरी तरह, आपकी स्किन थोड़ी सी डार्क टर्न हो जाती है, देन आई इंश्योर कि मैं विटामिन सी वाला बॉडी लोशन यूज कर लूँ। इट हैज गुडनेस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी हेल्प करता है टू फाइट ऑल द डार्क स्पॉट्स जो भी स्किन पे आ जाते हैं, चाहे वो पिगमेंटेशन का ही प्रॉब्लम क्यों ना हो। और दूसरा लोशन जो है जिसके अंदर गुडनेस ऑफ कोकोनट है, आई जस्ट लव दिस मॉइस्चराइजर। मैं जब भी इस लोशन को लगाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं कोकोनट मिल्क लगा रही हूँ। इट इज दैट मॉइस्चराइजिंग। और ये सारे स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट्स मैंने पर्पल से पिकअप किए हैं, और पर्पल पे हमेशा कोई ना कोई सेल चलती रहती है, तो आप ये सारे प्रोडक्ट्स और अपने फेवरेट ब्रांड्स पिकअप कर सकते हैं एट अ मैसिव डिस्काउंट। आई विल मेंशन ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नाउ आई हैव पिक्ड अप अनदर थिंग फ्रॉम मिंत्रा जो बहुत ही स्टाइलिश थिंग है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रेंडी पीस एंड दैट्स अ वेस्ट। और ये बहुत ही अच्छा नाइस ऑफ वाइट कलर का है जिसके ऊपर पैडेड लाइक डिटेल है, बहुत ही स्मार्ट लगता है। एंड आई रियली लाइक जो इसके ऊपर ये टाई डिटेल आता है ताकि मैं इसे सिंच कर सकती हूँ बेस्ड अपॉन माई प्रेफरेंस। और इसके ऊपर जो पॉकेट आती है वो तो जस्ट गॉट माई हार्ट बिकॉज इट्स सो फंक्शनल। नाउ कमिंग टू वन ऑफ माई फेवरेट वेज ऑफ स्टाइलिंग माई लुक फॉर द विंटर वेयर, चाहे वो लेगिंग्स के साथ में हो या जीन्स के साथ में हो, एंड दैट्स विद द पैस्टल कलर कार्डिगन। मुझे पैस्टल कलर पहनना बहुत पसंद है, प्लस ये बहुत ही सॉफ्ट कार्डिगन है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये क्रॉप्ड कार्डिगन है। क्रॉप कार्डिगन थोड़ी सी स्टाइलिश और थोड़े से एफर्टलेसली शीक लगते हैं। और मैंने इस सॉफ्ट पैस्टल कलर के कार्डिगन को स्टाइल किया है विद दिस सिंपल वाइट कलर का टॉप, वुलन टॉप है। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था इन माय आजियो हॉल। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अनदर वे जिसे आप ब्लैक लेगिंग्स के साथ में स्टाइल अप कर सकते हैं इज विद अ स्लीवलेस स्वेटर। और ये बहुत ही अच्छा लंबा ब्लैक कलर का स्लीवलेस स्वेटर मुझे H&M ब्रांड से मिल गया, जो अगेन मिंत्रा पे अवेलेबल है। बहुत ही सॉफ्ट है और थोड़ा सा ओवरसाइज है, सो आई रियली लाइक द कॉम्बिनेशन। नाउ सिंस ये थोड़ी सी लॉन्ग और ओवरसाइज वेस्ट है, तो मैंने इसके साथ में पेयर अप करने का सोचा है कि मैं एक बहुत ही लॉन्ग वाइट शर्ट पहन लूँ, सो दैट एक तो बहुत ही अच्छा नाइस कॉन्ट्रास्टिंग कलर भी आ जाए, प्लस जो वाइट बेसिक शर्ट है वो इंश्योर करेगी कि मेरा जो वेस्ट है वो हाईलाइट बन जाए ऑफ दिस एंटायर आउटफिट। नाउ कमिंग टू वन ऑफ माई फेवरेट वेज फॉर स्टाइलिंग द लेगिंग्स फॉर विंटर वेयर इवनिंग्स, एंड दिस इज बाय विद अ सिंपल श्रग। ये बहुत ही अच्छा वेरी गुड क्वालिटी का श्रग सरप्राइजिंगली मुझे मिंत्रा पे मिल गया, विच हैज अ वेरी नाइस फोर फॉर डिटेल। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस श्रग इज कि ये काफी लंबा है और उसकी एक जगह पे एक स्लिट है फॉर माई आर्म्स, एंड विदाउट मेकिंग मच ऑफ एन एफर्ट ये पूरे लुक को बहुत ही स्टाइलिश बना देता है। I absolutely love the quality. ये था मेरा Myntra winter wear sale haul plus how I style my basic black leggings in a very chic and stylish way. I hope आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया then please do subscribe to my channel. That would genuinely mean a lot to me. See you next time. Bye bye.